अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर फरजाना कौसर है। मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बेस्ट एज टू कंसीव, टू हैव द प्रेगनेंसी, उसके लिए बेस्ट एज क्या है, किस पीरियड में आपको इस बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, अब रूटीन में होता क्या है कि हमारी जो लाइफ है, जिस तरीके से हम मूव कर रहे हैं, मोस्टली ख्वातीन जो प्रोफेशनल उसमें हैं और वो अपने एक उनके लाइफ के गोल्स हैं जो उन्होंने सेट किए हुए हैं, वो अचीव करना चाहती हैं, तो वो अमूमन अपनी शादी को लेट कर देती हैं। और वो एक टास्क पर ओरिएंटेड ख्वातीन होती हैं कि जो कि अपने गोल्स को अचीव करने के बाद प्रेगनेंसी को अपनी सेकेंड ऑप्शन पर रखती हैं। अच्छा, अब एज क्या है कि जो इनके लिए एक गाइडेंस होनी चाहिए कि किस एज में इनके लिए बेटर है कि ये अपनी प्रेगनेंसी को कर सकें, माँ बन सकें। तो उसमें ये है कि जब भी एक खातून को पीरियड स्टार्ट होते हैं, जो कि उसकी एज ऑफ मेनार्की है, वो 13 से लेकर 15, 16, 17 साल तक की जो एज है वो मेनार्की की नॉर्मल एज है, जिसमें कि एक खातून की फर्टिलिटी स्टार्ट होती है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है? अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर औरत की ओवरीज़ के अंदर जो उसके अंडे दानियाँ हैं उसमें अंडों की जो तादाद है वो मुतय्यन कर दी है। वो तकरीबन 500 एग हैं जो कि उसके हर महीने एक या दो या तीन, इस हिसाब से उसकी दोनों ओवरीज़ में से या किसी एक ओवरी से रिलीज़ हो सकते हैं, जो कि अगर फर्टिलिटी अचीव करना हो तो फिर मेल स्पर्म से वो यूनाइट होकर तो वो ज़ायगोट की शक्ल में, और वो आपकी कंसेप्शन कहलाती है। अच्छा, अब होता क्या है आमतौर पर कि जब ख्वातीन की मेनार्की स्टार्ट होती है तो उनके जो बेस्ट क्वालिटी एग्स हैं, जो कि जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है और गुड क्वांटिटी में, वो शुरू के 15 से 18 सालों में अपना रिलीज़ देते हैं, और बाद में जो है वो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी उस लेवल की नहीं रहती, तो वो जो है स्टार्ट में ही ये 15 और 18 साल जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं उनकी फर्टिलिटी के लिए। वो इसमें अगर कंसीव करें तो एक बेस्ट जो है वो क्वालिटी वो एग रिलीज़ होगा, जो कि स्पर्म से यूनाइट करके तो वो अपनी कंसेप्शन की तरफ ये चीज़ें जाएंगी। अब इस बात का कतई ये मतलब नहीं है कि ये जो स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड है इसके बाद ख्वातीन को कंसीव करना नहीं चाहिए, या वो कर नहीं सकती, या उनके एग्स जो हैं वो बिल्कुल ही पुअर क्वालिटी के हैं तो उनको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं कि जो आइडियल एज है ख़वातीन की शादी की, कंसीव करने की, जिसमें उनकी अपनी हेल्थ भी जो है वो वेल मेंटेन्ड रहेगी, उनका अपना जो है बॉडी का वो हीमोग्लोबिन और न्यूट्रिएंट्स लेवल जो है वो इस स्टेज पर होगा कि वो बेस्ट तरीके से जो है वो उसको प्रेगनेंसी को ना सिर्फ कंसीव कर सकें बल्कि कंटिन्यू करें और अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें। तो वो जो बेस्ट पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम 20 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ टू 30 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, यानी कि 20 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक का वो टाइम है कि जिसमें एक आइडियल टाइम है, जिसमें वो प्रेगनेंसी को ना सिर्फ कंसीव कर सकती हैं बल्कि बहुत बेहतर तरीके से कंटिन्यू कर सकती हैं, अपनी फैमिली लाइफ को आगे चला सकती हैं। इससे पहले भी उनके लिए बहुत छोटी एज होने की वजह से वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि मोस्टली सोशली हैं, और 30 ईयर्स के बाद भी उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये एक रिलेटिव एज ग्रुप है कि जिसमें दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट टाइम टू कंसीव एंड कैरी ऑन योर प्रेगनेंसी एंड कैरी ऑन योर फैमिली लाइफ। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि बच्चियों को जो है वो किस एज में शादी करनी चाहिए, फर्टिलिटी के लिए क्या मुनासिब टाइम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।